नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज। बेहद ही बुरी खबर आई है सोनीपत से। हरियाणा के सोनीपत में स्थित गांधीनगर में एक व्यक्ति ने घरेलू कहासुनी के बाद अपनी पत्नी की छाती में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर भाग गया। गोली की आवाज सुनकर पड़ोस में किराए पर रह रही महिला मकान मालिक को अवगत करा है, जिसके बाद पुलिस व महिला के परिजनों को भी अवगत कराया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला को गन्नौर के CHC में केंद्र के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से थाना कला के रहने वाले अजय रूप देवा अपनी 32 वर्षीय पत्नी सोनिया और 4 बच्चों के साथ सोनीपत के गांधीनगर में किराए पर रहते थे। देर रात को घर आया। घरेलू कहासुनी में पत्नी से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के चलते अजय ने अपनी पत्नी सोनिया को छाती में गोली मार दी। पुलिस टीम ने महिला को पहले CHC में भर्ती करा, फिर CHC के अंदर ही महिला को मृत घोषित डॉक्टरों ने कर दिया। बेहद ही बुरी खबर आई है साथियों। इंस्पेक्टर धीरज कुमार ने कहा, सोनीपत के गांधीनगर में महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी, अब तफ्तीश जारी है।